एवरीवन, तो कैसे आप सभी, आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे। तो देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे मॉर्निंग शिफ्ट का, पॉलिटिकल साइंस का सेकंड सेमेस्टर का इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स का क्वेश्चन पेपर। ये मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है जो कि हमें मिल चुका है फाइनली। तो क्वेश्चन कैसे पूछे गए और कैसा पेपर आया, कितने नंबर का आया, सारा कुछ आज हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शेयर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम आपके लिए जब इतना करते तो आपसे भी हम कुछ ना कुछ उम्मीद ज़रूर रखते हैं। तो पेपर आपका 90 नंबर का आएगा, 3 घंटे का समय मिलेगा, ठीक है ना। तो टोटल आपको 5 क्वेश्चंस करने होंगे, 5 क्वेश्चंस आपको करने होंगे। 90 नंबर का पेपर आएगा, हिंदी और इंग्लिश किसी भी आप लैंग्वेज में कर सकते हो। जो पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया वो मैं आपको दिखा देता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा गया, मौलिक अधिकारों के विभिन्न प्रावधानों पर संविधान सभा की बहस पर चर्चा कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया, मौलिक अधिकारों के विभिन्न प्रावधानों पर संविधान की सभा में बहस पर चर्चा कीजिए। दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया वो पूछा गया, भारत में राज्यों के भाषाई पुनर्गठन की प्रक्रिया में आने वाली चुनौतियों का परीक्षण कीजिए। तीसरा जो इसमें पूछा गया न्यायिक समीक्षा के विशेष संदर्भ में भारत में न्यायपालिका में भूमिका का परीक्षण कीजिए, न्यायपालिका की क्या भूमिका है, ठीक है। चौथा है आपका, क्या आपको लगता है कि वर्ग ने भारत की राजनीति की सत्ता को गत्यात्मकता को बदल दिया है, जो वर्ग होता है, ठीक है। पाँचवा आपका, पंथ निरपेक्षता को परिभाषित कीजिए। देखिए, धर्म निरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता एक ही है, ठीक है ना। भारत में पंथ निरपेक्षता पर वाद विवाद का परीक्षण कीजिए। छठा आपका, दलीय प्रणाली क्या है, 1990 के दशक से भारत में गठबंधन राजनीति के उदय पर विवेचना कीजिए। सातवां, भारत एक कल्याणकारी राज्य है, विवेचना कीजिए। आठवां क्वेश्चन, भारत में नए सामाजिक आंदोलन के उदय का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। नौवां, पंचवर्षीय योजना ने भारत में विकास प्रक्रिया की में मदद की है, ये बता, पंचवर्षीय योजना जो हर 5 साल में आती है, ठीक है ना। दसवां आपका, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त में टिप्पणी आपको लिखनी है। पहला प्रस्तावना, दूसरा श्रमिक आंदोलन, इसमें महिला आंदोलन भी हो सकता है और पर्यावरण आंदोलन भी आ सकता है और मजदूर आंदोलन भी आ सकता है। तीसरा, मुख्यमंत्री की शक्ति, एक पार्टी प्रभुत्व प्रणाली, ठीक है। ये सारा था जैसे कांग्रेस थी एक पार्टी, इसमें राज्य में भी सरकार थी पहले और आपका केंद्र में भी, तो फिलहाल बीजेपी भी ऐसे ही है, ठीक है ना। इसके बारे में आपको लिखना है। तो ये पूरा पेपर है आज का और पेपर काफ़ी इजी है, एवरेज मैं कहूँगा, इजी तो नहीं कहूँगा, एवरेज कहूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।